कैंपियागंज थाना की पुलिस टीम ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों की पहचान सूरज उर्फ सिराज पुत्र हरिद्वार साहनी निवासी जंगल बिहुली टोना भगवानपुर और अजय कुमार भारती पुत्र राम केवल भारती निवासी जंगल झजवा टोला शुक्रपुरवा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंपियागंज एएसपी राहुल भाटी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के चोर हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी चोरी का मुकदमा पंजीकृत है और यह जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैंपियागंज थाने की पुलिस टीम द्वारा दोनों शातिर चोरों को कलान पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक शंभू दयाल मिश्र और आर्ची रियाज अंसारी शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियागंज एएसपी राहुल भाटी ने कहा, आज दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को दो लोग तमंचे और एक कारतूस के साथ कलान पुल के पास सुबह चेकिंग के दौरान 4 बजे पकड़े गए। उनके पास एक तमंचा बरामद हुआ और एक कारतूस बरामद हुई। दोनों पीपीगंज के रहने वाले हैं। दोनों के आपराधिक इतिहास भी है और दोनों लोग पहले चोरी में 379 में पहले भी जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा चुका है। ठीक है।